हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट बताने वाला हूँ, कोई घुमाव फिराव वाली बात नहीं, कुछ नहीं होगा, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात। और मैं उस बात में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपील वीडियो कैसे बनाते हैं, हमें कैसे अपील वीडियो बनाना है ताकि हमारी हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, और हम किस तरह से इफ़ेक्टिव अपील वीडियो बना सकते हैं जिससे यूट्यूब चैनल यूट्यूब टीम को जो है हमारी वीडियो समझ में आ जाए और हमारा चैनल फिर से मोनेटाइज हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें तीन या चार स्टेप होते हैं, मैं वन वन आपको बताऊंगा, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं उसको, एक भी पॉइंट मिस मत करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी जर्नी, आपकी लाइफ का सवाल है। आपने जो 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरा किए हैं, उस सारी मेहनत का फल इस एक वीडियो पर जाएगा आपकी। और ये वीडियो अगर आपने गलत कर दिया, मिस कर दिया, और आपने गलत ढंग से उसको पब्लिश कर दिया, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, फिर से 90 दिन के लिए आप जो है बैंड हो जाएंगे इस पे। तो एक एक बात को, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है आपको। मैं बता रहा हूँ, पहला पॉइंट आपका ये है कि सबसे पहले आपको बताना है आपके चैनल का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आता है आपका? आपका चैनल, आपके चैनल का नाम, और आपके चैनल जब से स्टार्ट कर रहे हैं तब से अब तक कितने दिन हो चुके हैं, और आपका कंटेंट का टाइप क्या है, किस तरह के आप कंटेंट बनाते हैं, लाइक कॉमेडी बनाते हैं, टीचिंग करते हैं, या रोस्टिंग कर रहे हैं आप, या फनी वीडियो बनाते हैं, या शॉर्ट बनाते हैं आप। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इफ़ेक्टिव होना चाहिए। और एक चीज़ और, इंट्रोडक्शन जब आप बनाएंगे तो आपको अपने चैनल का लिंक जो है अपनी स्क्रीन पर दिखाना होगा विद इन 45 सेकेंड। आपको अपने चैनल का लिंक दिखाना होगा, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम। पॉइंट नंबर दो में क्या आता है? पॉइंट नंबर दो में आप किस तरह के टूल्स आप यूज कर रहे हैं अपनी वीडियो बनाने के लिए, किन किन ऐप्स का आप यूज़ कर रहे हैं अपनी वीडियो एडिट करने के लिए, और उनके नाम भी आपको शो करने हैं, और क्या क्या टूल्स यानी कि स्टैंड यूज करते हैं, माइक यूज करते हैं, और किस तरह से आप वीडियो को शूट करते हैं अपनी, वो भी आपको दिखाना है। इसका पोर्शन आप 1 से लेकर 2 मिनट तक का बना सकते हैं। स्टेप नंबर तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको दिखाना होता है कि आप अपनी वीडियो किस तरह से एडिट करते हैं, और कौन कौन से ऐप उसके लिए आप यूज कर रहे हैं, आपको विद प्रैक्टिकली आपको दिखाना है एडिट करके। कम से कम 30 सेकेंड की वीडियो आपको दिखानी है एडिट करके, उसके आवाज़ में आप चेंज करके दिखाएंगे, उसके कलर में चेंज करके दिखाएंगे, जो भी आप एडिट जिस तरह से आप करते हैं, जो भी आप इस डेटा यूज करते हैं उसमें, उसको आपको सबको दिखाना है उसमें कि आप इस तरह से एक्चुअल में किस तरह से आप अपनी वीडियो एडिट करते हैं, और आपको शो करना है, पूरा लाइव दिखाना है उसको। स्क्रीन रिकॉर्डर से आप रिकॉर्ड करने के बाद में आप उसको दिखा सकते हैं कि मैं सर इस तरह से मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ, और फिर ऐसे एडिट करता हूँ, और एडिट करने के लिए ये ऐप मैं यूज़ करता हूँ। स्टेप नंबर थ्री में आपको यूट्यूब टीम से रिक्वेस्ट करनी है कि सर मेरा जो कंटेंट है वो जेन्युइन है, और मैं अपना कंटेंट खुद बनाता हूँ, किस तरह से बनाता हूँ, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपनी वीडियो का आपको देना है उसके अंदर। और यूट्यूब टीम को लगना चाहिए कि हाँ, आपने जो वीडियो बनाई है और जो आप कंटेंट डाल रहे हैं वो जेन्युइन है और सही ढंग से बना रहे हैं आप, और अपना ओरिजिनल कंटेंट है। यूट्यूब टीम को एक्चुअल में होता है कि हमें यूट्यूब टीम को यकीन दिलाना होता है कि हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो चैनल है, वो फेक नहीं है, वो कहीं से उठाई हुई वीडियो नहीं है, वो हमारा अपना कंटेंट है, हमारी अपनी मेहनत होती है, और ये बिलीव दिलाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, जो भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं सीक्वेंस में, इंट्रोडक्शन पहला, दूसरा नंबर आता है आपका क्या बोलते हैं कंटेंट आप किस तरह का यूज कर रहे हैं, तीसरा नंबर आता है आपका टूल्स में आप क्या क्या कौन कौन से ऐप और एडिटिंग किस तरह से कर रहे हैं, चौथा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, आपको यूट्यूब टीम से रिक्वेस्ट करनी है कि आपका जो कंटेंट है वो अच्छा है, और इस वीडियो को बनाने के बाद में आपको जब अपलोड करेंगे उस पर यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो अनलिस्ट में अपलोड करना है, प्राइवेट नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको अनलिस्ट में अपलोड करना है ये वीडियो। और आगे का जो स्टेप है, आप ये वीडियो बनाइए, और आगे का जो स्टेप है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको,
तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ, और वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।